शाहरुख खान के बाद अब सलमान खान बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, दिवाली के मौके पर वो अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म टाइगर 3 लेकर आने वाले हैं, जिसके लिए माहौल और प्रमोशन प्रक्रिया को लेकर तैयारियां चल रही हैं। सलमान और कटरीना स्टारर इस फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में अब सलमान खान के चाहने वालों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। दरअसल YRF के स्थापना दिवस और फिल्म निर्माता यश चोपड़ा की जयंती पर टाइगर निर्माता आदित्य चोपड़ा 27 सितंबर को टाइगर का खास संदेश दिखाने वाले हैं। ऐसा में यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह फिल्म के ट्रेलर से पहले की भूमिका है। इसके बाद फिल्म का प्रमोशन भी शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही टाइगर 3 का पहला पोस्टर रिलीज हुआ था। इसमें सलमान और कटरीना का जबरदस्त अंदाज और एक्शन देखने को मिला था। बता दें कि सलमान खान स्टारर यह फिल्म इस दिवाली पर रिलीज होने वाली है। खास मैसेज देंगे सलमान। ऐसा बताया जा रहा है कि इस वीडियो में दबंग सलमान खान को एजेंट टाइगर के रूप में एक महत्वपूर्ण मैसेज देते हुए दिखाया जा सकता है या प्रीव्यू भी हो सकता है, क्योंकि लंबे समय से लोग इस फिल्म के बारे में जानने को उत्सुक हैं। बता दें कि टाइगर 3 में सलमान खान और कैटरीना कैफ के अलावा इमरान हाशमी भी दिखाई देने वाले हैं। इसके साथ ही इसमें करण अर्जुन यानी शाहरुख सलमान की जोड़ी भी एक बार फिर साथ में देखने को मिलने वाली है। इससे पहले सलमान किंग खान की फिल्म पठान में कैमियो भूमिका में दिखाई दिए थे। अब किंग खान भाईजान की फिल्म में कैमियो भूमिका करने वाले हैं। बता दें कि यह YRF स्पाई यूनिवर्स की 5वीं फिल्म है। इससे पहले दर्शक टाइगर जिंदा है, वार और पठान में सुपर जासूसों को देख चुके हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि सलमान खान की यह फिल्म लोगों के बीच कितना धमाल मचाती है।